नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल चैनल में। आप लोगों की रिक्वेस्ट के आधार पे मैं इंग्लिश के पैसे सॉल्व करवा रहा हूँ आप लोगों को। और आपको मैं आज बताना चाहूंगा कि एक ऐसा इंटरेस्टिंग पैसेज मेरे पढ़ने में आया और मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा, और आप लोगों को भी हो सकता है कि काफी अच्छा लगे पढ़ने में। और ये पेपर है 2015 का, मैं लेके आया हूँ आपके सामने, लैंग्वेज सेकंड का। ठीक है, इंग्लिश का पेपर है ये, और पेपर सेकंड के लिए मैं आया हुआ है पहले, और आगे भी आ सकता है, इस तरह का पैसेज ही आते हैं। और मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि बार बार मैं कहता हूँ, जब भी हम पैसेज शुरू करने जाते हैं, एग्जाम हॉल का प्रेशर अलग रहता है, और वहां पे आप लोगों को क्या करना है कि जितना समय आप पैसेज पढ़ने में देंगे उतना ही कम समय लगेगा आपका क्वेश्चन आंसर देने में। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर देने में। तो इसलिए पैसेज को पहले मैं हमेशा कहता हूँ कि एक बार थोरोली पढ़ लीजिए शुरू से लास्ट तक, उसके बाद क्वेश्चंस पर जाइए, उसके हिसाब से आंसर सर्च कीजिए। तो हम पहले इसको अच्छे से पढ़ लेंगे और उसके बाद हम आंसर करेंगे। तो जो पहली बार दे रहे हैं उनके लिए मैं बताना चाहूंगा, कुछ इस तरह के डायरेक्शंस दिया होगा आपको सबसे पहले कि रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो क्वेश्चन नंबर 121 टू 129 बाय सिलेक्टिंग द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। आपको इसमें सबसे उपयुक्त उत्तर देखना होता है दोस्तों। यहाँ पर लिखा गया है मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन, तो आपको इसको चूज करना होता है। तो इसमें हमने सबसे उपयुक्त आंसर जो है वो देना होता है। अब हम पैसेज पढ़ते हैं दोस्तों। इफ यू आर लिविंग इन ए हाउस विद अ चाइल्ड ऑन द कस्प ऑफ बिकमिंग अ टीनेजर, कांग्रेचुलेशंस। यहाँ पे ऑथर कह रहा है कि अगर आप एक ऐसे घर में रह रहे हैं जहां पर कोई बच्चा है जो एक टीनेजर बनने की नोक पे है, कस्प माने होता है नोक पे या उसकी छोर पे है, मतलब टीनेजर बनने ही वाला है। ठीक है, तो आपको बधाइयां कह रहा है ऑथर। अब आगे देखते हैं ऐसा क्यों कह रहे हैं ये। आई एम नॉट बीइंग सार्केस्टिक, यू आर अबाउट टू इम्बार्क ऑन एन अमेजिंग वॉयज। ठीक है, ये कह रहे हैं कि मैं जो है व्यंगात्मक नहीं हो रहा हूँ। सार्केस्टिक माने होता है दोस्तों व्यंगात्मक होना, तो वो कह रहे हैं कि मैं इस यहाँ पर बिल्कुल भी व्यंगात्मक नहीं हो रहा हूँ आपको। क्या है, यू आर अबाउट टू इम्बार्क ऑन ए, आपको एक जो है वॉयज माने होता है एक समुद्री यात्रा टाइप की, तो क्या हुआ ऐसी समुद्री यात्रा पर जा रहे हो जो बहुत ही शानदार होने वाली है। ठीक है, तो ये इसलिए कहा है उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब बात आती है आगे, हम पढ़ते हैं इसको। इट मे बी अ बंपी राइड बट ऑन द जर्नी योर चाइल्ड विल ग्रो चेंज एंड ब्लॉसम इनटू द एडल्ट सी विल वन डे बिकम। अब यहाँ पर ऑथर कह रहा है कि ये क्या हो सकती है, एक बम्पी राइड हो सकती है, काफी ऊबड़ खाबड़ वाली जो है आपकी राइड हो सकती है, बट ऑन द जर्नी, लेकिन इस यात्रा में क्या होगा कि आपका बच्चा बड़ा होगा, ग्रो करेगा, चेंज होगा। ठीक है, और ब्लॉसम इनटू, और क्या होगा, ब्लॉसम मतलब होता है कि खिलना, या एक तरह से जैसे फूल खिलता है उस तरह से खिल के एक क्या बनेगा, एक वयस्क बनेगा। शी विल वन डे बिकम, जो एक दिन बन जाएगी, मतलब यहाँ पर भी एक बच्ची का उदाहरण दिया उसने, तभी वहां पर उन्होंने शी वर्ड यूज किया है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे। इफ यू आर लिविंग विद एन ओल्डर टीनेजर, आई वॉन्ट ट्राई टू सुगर कोट इट। ठीक है, लेकिन अगर आप एक ओल्डर टीनेजर, मतलब जो टीनेज की अवस्था में आ चुका है या टीनेजर होने ही वाला है, ठीक है, जो काफी पुराना टीनेजर है, यानी कि टीनेज क्या होती है दोस्तों, 12 to 19, तो अगर वो 18 ईयर का है या 17 ईयर का है, तो मैं क्या कह रहा है, आई वॉन्ट ट्राई टू सुगर कोट इट, मैं उससे मैं आपको लुभावना नहीं चाह रहा हूँ कह रहा है। ठीक है, मैं आपको कोई एक चीनी पाग वाली बात नहीं कह रहा हूँ या लुभावनी वाली बात नहीं कह रहा हूँ। यू विल मीट चैलेंजेस, ठीक है, मैं आपको कोई भी ऐसा कह रहा है ना कि लुभावने के लिए, या लोग ऐसे सांत्वनापूर्वक कुछ भी कह देते हैं, तो कह रहा है कि मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ। द रेजिंग हारमोन्स, आप क्या करेंगे कि यू विल मीट चैलेंजेस, आपको जो है चैलेंजेस मिलने ही वाले हैं। द रेजिंग हारमोन्स, द प्रेशर ऑफ एग्जाम्स, द एंगस्ट ऑफ रिलेशनशिप विद फ्रेंड्स एंड इवेंचुअली लवर्स। Eventually lovers, modern teenager are under so much pressure, it's no wonder that they get moody. ठीक है, इसमें कह रहा है कि the raising hormones means होता है दोस्तों कि जो तीव्र हार्मोन है, ठीक है, हार्मोनल चेंजेस जो हो रहे हैं उसमें, और
द प्रेशर ऑफ एग्जाम यानी कि एग्जाम का प्रेशर, और द एंगस्ट ऑफ मतलब एंगस्ट माने होता है कि चिंता, किसकी, रिलेशनशिप विद फ्रेंड्स, ठीक है, आपको चिंता होगी कि उसके दोस्तों से संबंध कैसे हैं, एंड इवेंचुअली लवर्स, और तुरंत ही साथ ही साथ उसके प्रेमी से, ठीक है। मॉडर्न टीनेजर अंडर सो मच प्रेशर, आजकल का टीनेजर जो है वो क्या, किशोरावस्था में जो बच्चा होता है तो वो बहुत ज्यादा प्रेशर में है, इसलिए कोई वंडर दे डेट मूडी, लेकिन आपको कोई भी इसमें आशय नहीं होना चाहिए अगर वो मूडी हो जाए, ठीक है दोस्तों। यहां तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब हम आगे वाले पैरामा पढ़ते हैं कि इसमें क्या कहना चाह रहे हैं। लिविंग विद टीन कैन बी डिफिकल्ट बिकॉज योर चाइल्ड इज इन द प्रोसेस ऑफ ग्रेट चेंज, ठीक है, कि टीन्स के साथ रहना बहुत कठिन है, ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि आपका जो बच्चा है उस टाइम पे एक प्रोसेस से गुजर रहा होता है, एक प्रक्रिया से गुजर रहा होता है जो है चेंज की, जो बहुत बड़ा या महान चेंज कह सकते हैं, महान परिवर्तन के दौर से वो गुजर रहा होता है, ठीक है। गॉन इज द बेबी हु एडोर्ड यू विदाउट क्वेश्चन, ओनली शैडोज रिमेन ऑफ द चाइल्ड हु हंग ऑन योर एवरी वर्ड ऑफ विजडम। अब इसमें बता रखा है कि अब वो कोई ऐसा बच्चा नहीं रह गया है कि जो आपको केवल आपके किसी भी क्वेश्चन को जो है लविंगली एक्सेप्ट कर ले, ठीक है, आपको फिर भी प्रेम करे, और आपको केवल उस जो आपके रिमेन इन द चाइल्ड हु हंग ऑन योर एवरी वर्ड ऑफ विजडम, जो आपके केवल एक ही वर्ड मतलब आपकी बुद्धि के एक शब्द में क्या है टंग जाता था, मतलब ये है कि वो बच्चा नहीं रह गया कि आपकी कोई भी बात मान ले। योर टीनेजर इज बिकमिंग अ यंग एडल्ट ट्राइंग टू फाइंड हिज वे इन द वर्ल्ड, ठीक है, आपका जो टीनेजर है वो क्या है, अब धीरे धीरे एक नव युवक के रूप में बदल चुका है, और क्या कर रहा है कि वो संसार में अब खुद का रास्ता खोजने की कोशिश करता है। ही इज नाउ प्रोग्राम टू रिजेक्ट योर वैल्यूज एंड किक अगेंस्ट योर ऑथोरिटी, ठीक है, अब वो क्या कर सकता है कि अब आपके जो वैल्यूज हैं या आपके जो नैतिक मूल्य हैं उनको वो रिजेक्ट भी कर सकता है, और किक अगेंस्ट योर अथॉरिटी यानी कि जो आपका अधिकार क्षेत्र है उसके खिलाफ भी जा सकता है। सम डेज व्हेन आर्ग्यूमेंट्स आर रेजिंग, म्यूजिक इज ब्लेरिंग, डिशेस पाइल अप इन द सिंक एंड योर डॉटर मिसेज हर कर्फ्यू अगेन, यू मे फील दैट यू जस्ट कांट बियर इट एनी लॉन्गर, ठीक है। कुछ दिनों में क्या होता है जब अगर आपके आर्ग्यूमेंट्स क्या है बढ़ रहे हैं, ठीक है, झगड़े बढ़ रहे हैं, और म्यूजिक इज ब्लेरिंग मतलब म्यूजिक क्या हो, एक शोर मचाने वाला हो जाए, डिशेस पाइल अप इन द सिंक, और जो डिशेज हैं यानी कि कोई भी डिश है वो क्या हो रहे हैं एक सिंक में क्या हो जाए इकट्ठा हो जाए, तो क्या हुआ कि आपकी डॉटर जो है उस कर्फ्यू को फिर से मिस करेंगी, ठीक है। यू मे फील दैट यू कांट बियर इट एनी लॉन्गर, अब आप ये फील करेंगे कि आप इसको अब और ज्यादा सहन नहीं कर सकते, ठीक है। अब अगले बार देखते हैं दोस्तों। बट इफ यू टेक ए स्टेप बैकवर्ड ब्रीथिंग डीपली फॉर ए मोमेंट यू विल बी एबल टू सी दैट मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स आर एंड इरिटेशंस वी हैव पेरेंटिंग टीन्स आर स्मॉल वंस, ठीक है। जब आप एक स्टेप बैकवर्ड जाएंगे और एक गहरी सांस लेंगे कुछ समय के लिए, तो आप देखेंगे कि जो प्रॉब्लम है या इरिटेशन हो रही है आप लोगों को, बच्चों को, टीन्स को, पालन पेरेंटिंग मीन्स होता है पालन पोषण करना, वो क्या है बहुत ज्यादा कम है। क्यों है? इट्स ओनली बिकॉज वी आर सो क्लोज टू देम दैट दे लुक सो वीक, ठीक है, इसका कारण केवल इतना है कि हम क्या है उनके बहुत ज्यादा क्लोज हैं बच्चों के, इसलिए या उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं इसलिए वो हमें बहुत ज्यादा बड़ी लगती हैं। इट्स ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव, ठीक है, ये केवल क्या एक नजरी की बात है। योर बेबी इज मेटामॉर्फोसिंग इनटू द एडल्ट ही और शी विल बी एंड इट्स हार्ड टू वॉच, ठीक है, आपकी जो बच्चा है वो क्या हो रहा है कि मेटामॉर्फोस यानी कि उसका रूपांतरण हो रहा है किसमें, एक वयस्क में, ही और विल सी विल बी एंड इट्स हार्ड टू वॉच, चाहे वो लड़का हो या लड़की, ठीक है, उसको देखना बहुत कठिन है। यू वॉन्ट टू सेव देम फ्रॉम मेकिंग योर मिस्टेक्स, ठीक है, आपने जो गलतियां की आप उन्हें उससे बचाना चाहते हैं, एंड मेक देयर लाइफ इजियर, और उनकी जो जिंदगी है उसे बहुत आसान बनाना चाहते हैं, ठीक है। न्यूज फ्लैश, ठीक है, लास्ट में उन्होंने न्यूज फ्लैश करके बोला है यू कांट, आप नहीं कर सकते ऐसा। वॉट यू कैन, आप कर क्या सकते हैं, एंड मस्ट डू इट ऑलवेज बी देयर टू लिसन, आपको क्या होना चाहिए वहां पे होना चाहिए और उनको सुनना चाहिए। देयर विल बी टाइम्स व्हेन यू आर द लास्ट पर्सन शी वांट्स टू टॉक टू, बट यू मस्ट मेक श्योर द अपॉर्चुनिटीज ऑलवेज देयर बी अवेलेबल, ठीक है, कह रहा है कि वो क्या है आपसे ऐसा समय है कि वो आखिरी आपको व्यक्ति होना चाहिए
जहां पर क्या है कि आपकी बच्ची आपको जो कहना चाह रहे हैं वो आप सुने वहां पर। लेकिन आपको ये श्योर करना होगा, ये निश्चित करना होगा इस अपॉर्चुनिटी को कि आप वहां पे हो, ठीक है, बी अवेलेबल। आप उसकी यानी कि है कि आपको अपने बच्चों की बात सुननी है, ठीक है, बी अवेलेबल। अब इसका सोर्स क्या था, सोर्स भी दिया है इन्होंने इस पर, रेजिंग टीनेजर्स, ठीक है, ये बढ़ते हुए टीनेजर्स, एक ऑथर है लिन हगिंस कॉपर, ठीक है, इनसे एडेप्ट किया गया, इनके द्वारा से लिया गया इस जो पैरा को। तो इसमें हमने आपको ये पैरा पढ़ा, तो काफी इंटरेस्टिंग पैरा है दोस्तों, ये आजकल के टीनेजर की लाइफ और एक जो पेरेंट्स के बीच में जो द्वंद रहता है, इस पैसेज के माध्यम से थोड़ा बहुत उसे सॉर्ट आउट करने की कोशिश की गई है, और काफी अच्छा लेख ये लिखा गया है, तो काफी इंटरेस्टिंग मुझे लगा ये। अब आते हैं दोस्तों इसके क्वेश्चंस पर। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, अकॉर्डिंग टू द ऑथर, लिविंग विद अ टीनेजर इज लाइक एन अमेजिंग वॉयस बिकॉज, ठीक है, एक बच्चे के साथ रहना, टीनेजर के साथ रहना, ठीक है, किशोरावस्था वाले बच्चे के साथ, तो एक क्या है, एक अनोखी समुद्री यात्रा है, क्यों कह रहा है, या जहाजी यात्रा है, जहाज की यात्रा है, क्यों? ड्यूरिंग दिस वॉयज द पेरेंट विल सी द टीनेजर ब्लॉसमिंग इनटू एन एडल्ट, द वॉयज विल बी वेरी बम्पी एंड डेंजरस, बोथ द टीनेजर्स एंड द पेरेंट विल गॉट टू सी मैनी अमेजिंग साइट्स, द वॉयज वोगेस विल मेक देम टू डिफरेंट वंडरफुल प्लेसेस ऑन द अर्थ। तो इसमें द वॉयज का पहला आंसर क्या है इसका, यही है, क्यों? ड्यूरिंग दिस वॉयज द पेरेंट विल सी द टीनेजर ब्लॉसमिंग इनटू एडल्ट, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, तो कहीं पे भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं सीधे, ठीक है, और आपको कहीं पे भी कुछ लगे कि रॉन्ग है या राइट है, क्योंकि मैं जो पैसेज पढ़ता हूँ यहाँ पे एक बार खुद से भी पढ़ लेता हूँ, और आप लोगों के सामने लाने से पहले भी सोचता हूँ कि इसका आंसर ये होगा एक्यूरेटली, ठीक है, क्योंकि पैसेज को हम थॉरली जितना पढ़ते हैं उतना आपका अच्छा हो जाता है, और जब मैं वीडियो बनाता हूँ तब भी उसे पढ़ लेता हूँ ताकि आपको राइट आंसर निकले इसमें से, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई पर कोई डाउट हो तो प्लीज मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। आई वॉन्ट ट्राई टू सुगर कोट इट, ठीक है, मैं इसमें क्या, अगर मैं कोई लेपापति या लुभावना नहीं चाहता हूँ कहने का, बाय दिस वर्ड द ऑथर वॉन्ट्स टू कन्वे दैट, ठीक है, इस बात से वो क्या कहना चाह रहे हैं, सी डज नॉट वॉन्ट टू हाइड द फैक्ट दैट पेरेंटिंग अ टीनेजर इज फुल ऑफ चैलेंजेस, पेरेंटिंग इज वेरी चैलेंजिंग एंड पेरेंट्स मस्ट बी प्रिपेयर फॉर इट इन ए जेंटल मैनर, पेरेंटिंग टीनेजर इज लाइक टेकिंग एन अनप्लीजेंट क्योर ऑफ एन एनिमल, सी डज नॉट वॉन्ट टू फ्लैटर द पेरेंट्स इन टू बिलीविंग दैट दे आर कैपेबल ऑफ मैनेजिंग टीनेजर्स। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है दोस्तों, तो ये है कि आई वॉन्ट ट्राई टू सुगर कोट इट, तो ये होगा इसका पहला कि सी डज नॉट वॉन्ट टू हाइड द फैक्ट, ठीक है, वो इस फैक्ट को नहीं छुपाना चाहते कि जो उनको पेरेंट करना यानी उनका पालन पोषण है टीनेजर्स का वो चैलेंजेस से भरा हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, मॉडर्न टीनेजर्स इजिली बिकम अनॉयड और अनहैप्पी, ठीक है, बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं, अनॉयड हो जाते हैं यानी कि अनहैप्पी हो जाते हैं, ठीक है, इसका कारण क्या हो सकता है, द हार्मोनल इम्बेलेंस दैट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस पीरियड ऑफ डेवलपमेंट, द फेल्ड रिलेशनशिप्स विद फ्रेंड्स एंड लवर्स, फेलिंग इन एग्जामिनेशंस, द इनॉर्मस स्ट्रेस दे एक्सपीरियंस एट दिस स्टेज, क्या होगा इसका, वही है कि पहला द हार्मोनल इम्बेलेंस, क्योंकि किशोरावस्था में जो होता है हार्मोनल जो है बैलेंस जो है हार्मोनल चैलेंजेस बहुत आते हैं, चेंजेस बहुत आते हैं बच्चों में, तो वही होता है कि इसलिए वो क्या हो जाते हैं, एकदम से गुस्सा हो जाएंगे या एकदम से खुश हो जाते हैं या दुखी या उदास हो जाते हैं, तो यही इसका कारण है। अगला है, ओनली शेडोज रिमेन ऑफ द चाइल्ड, द वर्ड शेडोज हेयर रिफर्स टू, ठीक है, केवल शेडोज, केवल छाया रह जाती है बच्चों की, इसमें जो वर्ड है शेडोज वो किसको रिफर कर रहा है, कह रहा है फेंट ट्रेसेस ऑफ एडोरिंग चाइल्ड, ओल्ड मेमोरीज ऑफ टीनेजर, ओल्ड मेमोरीज ऑफ पेरेंट्स, द डार्कर एस्पेक्ट ऑफ ग्रोइंग टीनेजर्स, तो क्या हो सकता है दोस्तों, तो ये इसका सही आंसर होगा कि जो इसका भी आंसर पहला होगा दोस्तों कि फेंट ट्रेसेस ऑफ एडोरिंग चाइल्ड, ठीक है, इसमें देखिए दोस्तों तीनों के आंसर थोड़ा पहले हैं, तो आपको इसका कभी भी एग्जामिनेशन हॉल में ऐसे डाउट मत कीजिएगा कि इसके आंसर सेम आ रहे हैं तो कोई गलत हो सकता है, लेकिन इसको आपको क्या करना है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन चुनना है, तो कभी भी इसमें ऐसे मत जाइएगा कि किसी और को लगा देते हैं, ठीक है, ये गलतियां बहुत लोग करते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है आंसर वही होता है जो आप लोगों ने पहले लगाया होता है। अगला प्रश्न है, किक अगेंस्ट योर अथॉरिटी इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ ए टीनेजर्स, ठीक है,
इसका क्या अर्थ हो सकता है? इननेट टेंडेंसी टू बिकम फिजिकली वायलेंट, नेचुरल रेबेलियस टेंडेंसी, एक्सेसिव सेंटिमेंटलिटी, नीड फॉर आइडेंटिफिकेशन विद फैमिली वैल्यूज। तो क्या हुआ कि टीनेजर्स को क्या इसमें पहचानना होगा? इसका राइट आंसर होगा फोर्थ वन, नीड फॉर द आइडेंटिफिकेशन विद फैमिली वैल्यूज। अगला प्रश्न है, ही इज नाउ प्रोग्राम टू रिजेक्ट योर वैल्यूज, इंप्लाइज दैट द टीनेजर। ठीक है, अब वो ऐसे प्रोग्राम कर सकता है आपकी, और अब वो इस तरह से प्रोग्राम हो चुका है, जब वो टीनेजर बन गया है तो वो आपकी जो नैतिक मूल्य है उनको रिजेक्ट कर सकता है। तो ये किस बात को इंप्लाई करता है? टीनेजर की बिहेव्स इन सच ए वे बिकॉज ऑफ बायोलॉजिकल फैक्टर्स, डिराइव्स मच प्लेजर इन गोइंग अगेंस्ट द फैमिली, इज कैपेबल ऑफ प्रोग्रामिंग हिज बिहेवियर केयरफुली, रिजेक्ट्स पेरेंट्स वैल्यूज आउट ऑफ शीर स्पाइट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इज कैपेबल ऑफ प्रोग्रामिंग हिज बिहेवियर केयरफुली। ठीक है, वो अपना बिहेवियर को भी प्रोग्राम कर सकता है जो केयरफुली। अगला प्रश्न है, द ऑथर सेज दैट पेरेंट्स कैन नॉट प्रिवेंट देयर टीनेज चिल्ड्रन फ्रॉम मेकिंग मिस्टेक्स, व्हाट इज हिज एडवाइस टू द पेरेंट्स। ठीक है, ऑथर ने कहा कि बच्चे क्या अपने बच्चों को, अपने टीनेजर्स को, जो किशोर अवस्था के बच्चे हैं उन्हें गलतियां करने से नहीं रोक सकते हैं, तो उसकी एडवाइस क्या है पेरेंट्स के लिए? बी अवेलेबल फॉर कंसल्टेशन एंड लिसन टू द टीनेजर्स, डोंट ट्राई टू सेव टीनेजर्स, मेक देयर लाइव्स इजियर, बी द लास्ट पर्सन टू अप्रोच द टीनेजर विद एडवाइस, डू नॉट वॉच द चिल्ड्रन ग्रोइंग अप एट दिस स्टेज बिकॉज इट कैन बी पेनफुल। तो क्या होगा, उसने यही कहा था ना कि बी अवेलेबल फॉर कंसल्टेशन एंड लिसन टू द टीनेजर्स, तो उसने कहा था कि लिसन टू द टीनेजर, लिसन टू हिम, ठीक है, लिसन टू हर, तो इस पैरा में हमने यही पढ़ा था। तो क्या है कि बच्चों को सुनना बहुत जरूरी है, उन्हें कंसल्ट करना उसके बाद। अगला प्रश्न देखते हैं, पिक आउट ए वर्ड फ्रॉम द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द अवर पैसेज दैट मीन्स स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ऑफ एंग्जाइटी एंड अनहैप्पीनेस। ठीक है, आपने क्या करना है, एक फर्स्ट पैराग्राफ में जो हमने पढ़ा था कि स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ एंजाइटी एंड अनहैप्पीनेस पढ़ा था। ठीक है, तो ये किससे, किसका अर्थ है, एंग्स्ट का, रेजिंग का, या सार्केस्टिक, या कस्प का? तो इसमें हमने देखा था कि एंग्स्ट माने होता है चिंता करना, ही मैंने आपको पहले बताया, तो राइट आंसर यही हो गया इसका। ठीक है, दूसरा रेजिंग मीन्स बताया था कि जब तीव्र होता है, तीव्र होता है इसका अर्थ, तो ये भी नहीं हो सकता। सार्केस्टिक माने होता है कि व्यंगात्मक, व्यंग करना, मैंने जब बोला था कि व्यंग नहीं कर रहा हूँ। कस्प माने होता है कि नोक पर, या जो एक शुरुआती दौर पर। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ एंग्जाइटी का अर्थ हो गया यहाँ पर एंग्स, तो यही राइट आंसर है। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और जो पैसेज हमने ये तो पढ़ ही लिया है, और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने वो भी मैंने आप लोगों को करा दिए हैं। तो अच्छा लगा होगा आप लोगों को, तो प्लीज जो अभी अभी चुने हैं तो चैनल से तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जो पहले से जुड़े हैं उसे लाइक भी कर दीजिए, और एक आध कमेंट भी कर दीजिए दोस्तों, जिससे मोटिवेशन मिल सके मुझे, और आगे किस तरह के वीडियो चाहिए और आपको, तो उसमें भी कमेंट कर सकते हैं मुझे, मैं उस तरह के वीडियोस बना दूंगा, बार बार कहता हूँ आप लोगों से। और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि नए दोस्त लोग जुड़ सकें इससे, जिनको नीड है टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी जो लोग कर रहे हैं, या अन्य भी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कंपटीशन एग्जाम की, तो वो मुझसे बेझिझक संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।